ये आ गई मुरैना की मशहूर मलाई पूड़ी। और इस शॉप पे हम लोग मॉर्निंग में भी आए थे ब्रेकफास्ट के लिए, यहाँ पे हमने बिडई खाई थी। अभी दोपहर को 3 बजे के बाद से यहाँ पे मलाई पूड़ी बनाई जाती है। मलाई पूड़ी के अगर इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसमें मैदा होता है और दूध की रबड़ी होती है, उसका बैटर बनाते हैं, उसके बाद इसको घी में फ्राई किया जाता है, उसके बाद चाशनी में डुबो देते हैं। इसके टेक्स्चर की बात करें तो बिल्कुल एकदम जालीदार है और फुल ऑन चाशनी में डुबा हुआ, मतलब अब इसको मालपुआ नहीं कह सकते। नहीं नहीं, मालपुआ बहुत बड़ा और मोटा सा होगा। हाँ, पूरी इसलिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि बहुत पतली है और ये जाली की वजह से ना पता ही नहीं लगता। आप रोल करके ऐसे खा सकते हैं। अच्छा, ये रोल करके जैसे आप रोल कीजिए, एक बाइट में आधी आप खा जाएंगे। तो ज़बरदस्त है और लग रहा है कि रबड़ी कुछ खा रहे हैं हम। जी, जैसा जी, जो मतलब जैसे कभी आप दूध को मतलब जब घी बनाते हैं तो नीचे जो खुरचन बच जाती है तो उसका हाँ, टेक्सचर होता है, वैसा टेक्सचर आ रहा है इसका जी। बहुत ही उम्दा है, बहुत ही उम्दा। हाँ, गरम है बिल्कुल। हाँ, उससे और स्वाद वो सही कह रहे थे कि एक से क्या होगा, से मतलब है चाशनी में डूबी भी घी में पकाई गई है लेकिन फिर भी लाइट है, बहुत लाइट है, बिल्कुल पतली पतली और अच्छा एक उसमें क्रिस्पीनेस भी है, एकदम स्पॉन्जी टेक्सचर है इसका। आइए, एकदम खस्ता रहती है इसके अंदर में खोआ और ड्राई फ्रूट हल्के से भरा जाता है, बिल्कुल लाइट, एकदम मीठा तेज है लगता है। यहाँ पे थोड़ा यहाँ थोड़ा मीठा ज़्यादा तेज खाती है, यहाँ तीखा भी थोड़ा तेज चलता है और मीठा भी थोड़ा तेज चलता है। खैर, मुझे तो मतलब मलाई पूरी बहुत बढ़िया लगी उसका जो एकदम। एक्चुअल में होती क्या है कि ज़्यादातर जहाँ पे बनती है ना वो मालपुए बनते हैं, वो एक्चुअल क्या होता है कि जो मोटा आटा आता है ना उसको गुड़ में फेंट के तब बनाते हैं, या अपन लोग दूध की बनाते हैं। इसका मेन फ़र्क ये है, दूध को जैसे अपन गाढ़ा कर लो फिर उसमें हल्की सी मैदा लगा लो, फिर उसके बाद में घोल के जब वो सेट है उसमें मैदा, उसके बाद में ये फ़र्क रहता है। इतनी पतली मलाई पूड़ी आपको मिलेगी नहीं। और आप सही कह रहे हैं, मतलब अगर तबीयत से भूख हो और सोच के आए कि मलाई पूड़ी खाने जा रहे हैं, मतलब तो सुबह जो बेड़ी ना, खा सकता है। तो सुबह आप बेड़ी ये समझे कि ऐसे ऐसे कस्टमर आते हैं, 24-26 बेड़ी का रिकॉर्ड है, एक का तो 38 बेड़ी का अभी तक तोड़ा नहीं है किसी, 38 बेड़ी खाई। अमन, आपको कुछ करना चाहिए शांति से बैठ के चैन के साथ। 38 सुबह से शाम तक 38 बेड़ी। एक बंदा तो अभी भी आता है 22 बोले, उससे पूछते हैं कितनी होगी साहब, 22 होगी, कितनी होगी, 20 होगी। मलाई पूड़ी का रिकॉर्ड, मलाई पूड़ी का है 1.25 किलो। 1.25 किलो, 1 किलो में कितने पीस हो जाते हैं? 1 किलो पे आप माने करीब 45 से 50 की, 1.25 किलो खाई थी उसने, करीब 63 पीस आए थे भाई साहब। अब ये दुकान खुली है 79 की खुली है, तो आप समझ लें 42-43 साल हो गए तब से ही चल रहा है, यही आइटम चलते आ रहे हैं। अभी ये तो खैर हो गया, सावन पे आ देना तो आपको घेवर दिखाते हैं, घेवर बहुत ही अल्टीमेट बनता है यहाँ पर, बहुत अल्टीमेट, आप खाएंगे ना तो खुश हो जाएंगे। यहाँ पे लोगों को खाने का शौक है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा, मतलब आप समझे कि सुबह 5-5:30 बजे से तो कोई के ठेले चालू हो जाए और 7 बजे से तो बेड़े ये लोग का नाश्ता शुरू हो जाता है, मतलब उठते ही कुछ ना कुछ चाहिए, सही नाश्ता चाहिए। चलिए सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप आइए सर, बिल्कुल आइए, जब भी यहाँ आप आएँ यहाँ पे जरूर आए, बिल्कुल। और इतने हाँ, प्रेम से आपने हमें एक एक चीज़ टेस्ट कराई सर, ये तो काम है, यही तो काम है। धन्यवाद। ये
पूरी परात में दही बड़ा है और साथ में नीचे में बर्फ़ की ट्रे, ऊपर में इन्होंने अभी गार्निशिंग के लिए थोड़ा धनिया पत्ती, फिर काजू, उसके बाद किशमिश, चिरौंजी, अब अनार डाल रहे हैं। ये जो दही बड़ा है ये खुद में ही संपूर्ण है, इसमें कोई चटनी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बड़ा बनाया जाता है ये उड़द की दाल का बनता है, उसके बाद सीधे इसको दही में डाल देते हैं। बड़े के अंदर में ड्राई फ्रूट सर्व किया गया है, उसके बाद में बघार लगाया गया है राई का और लाल मिर्च का, और दही देखें बिल्कुल एकदम क्रीमी क्रीमी दही जो होती है बिल्कुल वो है। और आइए अब इसका जायका लिया जाए। बिल्कुल सॉफ्ट बड़ा है, एक बीच बीच में जो क्रंचीनेस आ रहा है राई का। बहुत ही स्वादिष्ट, अगेन कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब हमने जो भी चीज़ें खाई यहाँ का मुरैना का अपना ही बनाने का अंदाज है, चाहे वो पेड़ा हो या फिर मलाई पूड़ी हो या फिर दही बड़े हो। और वियर्ड कॉम्बिनेशंस हो, आपने वियर्ड बोला मुझे बीहड़ सुनाई दिया। और बीहड़ में हैं हम और बीहड़ से याद आया पान सिंह तोमर, जो एक मूवी आई थी इरफान खान की और उसमें एक डायलॉग था, बीहड़ में तो बागी होते हैं और द कैट मिलते हैं डॉट 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 में है? समझने वाले सब समझ गए। सर बहुत मज़ा आया इसमें, मिठास भी है हल्की, खटास भी है, हल्का तीखापन भी है, हाँ हल्का मिर्च डली है इसकी बड़े के अंदर, और फिर तड़का भी लगाया है उन्होंने उसके कारण भी हल्का स्वाद है उसका लाल मिर्च का, और क्रंचीनेस के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं इसमें, बहुत ही उम्दा जायका। और यहाँ पीछे अपना फ्रेश इमरती बन रही है, इमरती ये घी में तैयार करते हैं, घी में तैयार रहती है, और ये बनती है उड़द की दाल से, उड़द की दाल। ये क्या बन के आ गया? काजू कतली है, अब तो दिवाली का सीज़न आ गया, दिवाली का काजू कतली चलेगी, काजू कतली है, काजू अभी आइटम है, लोड़ा बर्फी बन रही है उधर, छेना बन रहा है दूध वाला, इधर बर्फी वगैरह तैयार हो रही है। यहाँ पर मिठाइयाँ लोग बहुत खाते हैं मुरैना में, काफ़ी सेल है मिठाई, हाँ काफ़ी सेल है, अच्छी क्वालिटी की मिठाइयाँ, क्वालिटी बेस्ट बेस्ट है, रीजनेबल रेट प्लस क्वालिटी बेस्ट। हाँ मुरैना के शायद में कहूँ कहीं की कहूँ अगर मुरैना ऐसी क्वालिटी कहीं नहीं है, और प्लस रेट भी रीजनेबल, खाने पीने का आइटम मुरैना में, नाश्ता करो, मिठाई खाओ, कोई भी आइटम लो, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मतलब हमने बिड़ई खाई 7 रुपए की बिड़ई मिली, बहुत अच्छी समोसे खाए 15 रुपए के देसी घी के, आप 4 समोसे में ही पूरा दिन भर का काम हो जाए, आप दिन खाने की जरूरत नहीं पड़े। मतलब यहाँ पे मिठाइयों को और नाश्ते के चीज़ों को काफ़ी सीरियसली लेते हैं लोग, सुबह से शाम तक मेन काम है ही नाश्ते का मुरैना में, काफ़ी मुरैना में करीब 100-200 दुकानें बैठे हैं नाश्ते की, और सभी दुकानें बराबर चल रही हैं। मुरैना के पानी में तासीर ऐसी है कि घी का काम करती है, जहाँ का पौध ही चल जाता है ना पौध में ठंडा रहता है, जहाँ के पानी में तासीर है, या चंबल का पानी ही अलग ही है, और जगह का आदमी आवाज से डर जाता है, दूसरी जगह का आदमी को बंदूक से चलाने के लिए, और जहाँ आवाज से डर जाता है आदमी, क्या बात है, जहाँ आवाज में ही और उसमें बोली में दम है, शुद्धता है, और जहाँ के पानी खान पीन की ताकत है हर जगह बोलवाला है, जहाँ मुरैना का एक आदमी बाहर के 4 आदमी बराबर है। मुरैना अपनी इतनी ऐतिहासिक जगह है, श्री कृष्ण भगवान गैया चलाने आते थे यहाँ तक, ये अपनी मुरैना तक जाऊ जी में ढाई दिन मेला लगेगा यहाँ पर, वहाँ द्वारका अधीश में पटबंद हो जाएंगे, और जहाँ के सारे दिन के लिए मेहमान बन के आते हैं भगवान मुरैना में, और मुरैना का इतिहास तो मेरे बाबा बताते थे, जब पसारी विहार में जो पड़ाव है ना, ये अंग्रेज सिंधिया जी का बोता है, क्या कहते हैं पड़ाव, जहाँ सेना रखी थी और अंग्रेजों द्वारा अपने यहाँ पर फैक्ट्री लगाई थी मुरैना में, रुई की यहाँ कपास की सबसे बड़ी रुई की मंडी मुरैना हुआ करती थी, जहाँ पर ही कपास फैक्ट्री लगी थी, ये अब स्कूल बन गया जिसमें, और यहाँ तक ट्रेन आती थी लोहिया बाजार तक, सही बात है भैया, ऐतिहासिक शहर है, ऐतिहासिक, जहाँ सोनिया में मंदिर है उसमें क्या कहते हैं भूतों द्वारा बताते हैं कोई के कोई कहते हैं राजा ने बनवाया है, सोनिया में जो तकड़मेंट का मंदिर है वो हथभर बनाए पत्थर, केवल पत्थरों से नहीं, चूना मिट्टी कुछ नहीं, केवल पत्थर ही पत्थर आपस में रखे, एक भी गिरता नहीं है,
और वो क्या कहते हैं वो चल जाएगी सूर्य जी के पुत्र का जन्म नहीं हुआ है उसका कवच कुंडल थे वो करण का उसके सूर्य के घोड़े का भी निशान है यहाँ पर बहुत ऐतिहासिक जगह पर है ना ऐतिहासिक भी और पौराणिक भी है वो तो सबसे बड़ी बात तो जो लगती है पानी में ऐसी ताकत है हम कहीं बाहर जाते हैं कमजोर हो जाते हैं और जहाँ आगे जो लगती है ताकत आ जाती है थोड़ी जाती है क्या बात है इसी बात पे इमरती खाई जाए आप भी लोग इमरती तो सुबह शाम की दुकान है अच्छा की दुकान है इमरती और दूध दही घी के लिए तो मुरे ना बहुत फेमस है दूध दही घी और मीठे के लिए जहाँ गाँव वगैरह वाले में दूध का खाने का मतलब दूध खबर कहते हैं बड़ी सीढ़ी दूध पीना जहाँ बोले दूध खाएंगे हम दूध खाते हैं सबसे ज़्यादा दूध घी जैसे डॉक्टर वगैरह कहते हैं ना कि दूध घी मत खाना तो बोले हम तो मत जाएंगे दूध घी खाएंगे बहुत बढ़िया और भैया की दुकान भी बहुत पुरानी है इनके बाबा पिताजी के पिताजी की जमाने की दुकान चल रही है बताया इन्होंने हाँ 50 साल पुरानी दुकान है बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके अच्छा भैया चलिए ये अल्टीमेट पेटीज स्पेशल अल्टीमेट पेटीज हाँ इसमें आते हैं अपना अनियन अनियन इसमें थोड़ा आता है कैबेज कैबेज इसमें थोड़ा हमारी जिस सॉस से रहती है हल्की सी स्पाइसी रहती है नॉर्मली कि वैसे हमने अलग से बनाई है ये क्या थोड़ा पिज़्ज़ा टॉपिंग्स पिज़्ज़ा टॉपिंग्स हाँ उसके बाद है मेयोनीज उसके बाद ये शिमला मिर्च प्याज टमाटर प्याज ये सब स्वीट कॉर्न और पनीर ये पनीर के पीसेस गए हाँ और क्या इसमें क्या है बटर बटर हाँ सबसे बेस्ट अब क्या जाएगा चीज़ अब चीज़ जा रहा है हाँ अच्छा रहता है हल्का तंदूरी सॉस जैसे ये यम्मी लगेगी ये अभी अब इसको थोड़ा इसको अंदर डालूँगा अब ये ओवन में जाएगा हाँ ओवन में ये अल्टीमेट पैटीज तैयार हो गया इसके बाद बटर जाता है अरे यार ये ओरिगैनो डाल दिया हाँ चिली फ्लेक्स कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि डिश खानी है हाँ इनके पास नॉर्मल पैटीज भी हैं वो भी खा सकते हैं आप और लेकिन अगर आपको अपने फूड के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करना है नॉर्मल पैटीज के साथ तो फिर उसके बाद इस पैटीज़ को ट्राई कर सकते हैं तो यहाँ पे जो लोग आते हैं और जो ऑर्डर करते हैं ये डिशेस मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं हाँ स्टूडेंट का मेरा स्कूल ज़्यादा अच्छा है स्टूडेंट एरिया भी है स्टूडेंट आना पसंद भी ज़्यादा ही करते हैं सुबह से लेकर 12 बजे से चालू हो जाते हैं मेरे किचन रात को 9:30-10 बजे तक किचन चालू होती है और पैटीज एक डिश है मतलब हर एक स्टूडेंट ने कभी ना कभी अपने लाइफ में जरूर खाई होगी मुरैना में पेटीज का क्रेज ऐसा है जैसे दिल्ली में छोले भटूरों का अच्छा जैसे कुलचों का पूरे ऑल ओवर मुरैना में इतना पेटीज बनता होगा बेकरीज पे जितना कि पूरे एमपी में नहीं बनता होगा इतनी खपत है इतनी अच्छी खपत है ऐसा क्यों हर बंदे के मुंह पे लगा हुआ है पेटीज का एक क्रेज आप कुछ खिलाओ या नहीं खिलाओ पहले पेटीज और मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ पैटीज़ को लेके मतलब जब पैटीज खाता हूँ मैं प्लेन पैटीज़ ज़्यादा पसंद करता हूँ तो सबसे पहले मैं वो अगर अंदर जाके कहीं पे चिपका हो डिस्कार्डेड मतलब ऐसा होना चाहिए जाके वो अंदर बिखर सा जाए आपके कहीं भी मुंह में जाके चिपके नहीं वरना वो जो तेल का वो स्वाद ख़राब कर देता है तो जितना फ्लेकी क्रिस्पीनेस हो उतना मज़ा आता है खाने में जब तक अंदर से मुँह पका हुआ नहीं होगा ना जी तब तक वो फ्लफी बनने देगा हाँ। अगर अंदर से हल्का से भी कच्चा रह गया तो एक मैदे वाला टेस्ट देगा वो ऊपर चिपक जाएगा वो आपके फिर मज़ा नहीं आता वो भी मज़ा नहीं आएगा पूरा टेस्ट खराब होता है पैटीज वो तब हमारी इन पैटीज में खासियत ये है कि 3 बार सिकाई होती है एक बार जब मैन भट्टी में जाके सिक्की आती तब
एक स्मॉल भट्टी में सिकती है, जब वो प्रिपेयर हो जाती है तब वो पेटीज बनने के लिए बाहर आती है, उसके बाद थर्ड वे फिर सिकती है, इसलिए अंदर से पूरा अच्छे से बेक हो जाता है। नहीं, अच्छा लगा मुझे खाने में, थोड़ा मेरे लिए अलग था लेकिन ये भी एक एक्सपीरियंस है अपना स्ट्रीट फूड खाने का। चला जाए अमन जी, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सुबह से हमने इतनी सारी नाश्ते की चीज़ें और मीठी चीज़ें खाई, मिठाइयाँ खाई, अब रात का समय हो चुका है और अब हम आए हैं शुक्ला होटल, जहाँ बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी खाने का आनंद लेंगे। सुबह से शाकाहारी तो खा रहे हैं। तो ये है शुक्ला शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, जहाँ पे आपको सादा खाना मिलता है, है? और जो नॉर्मल रेस्टोरेंट में नॉर्थ इंडियन हमारा खाना होता है, जिसमें मैं देख रहा हूँ आलू पालक, आलू टमाटर, उसके बाद कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, पनीर बटर मसाला, दाल, जो घर वाली सब्जियाँ जो होती हैं सारी, लोग बैठ के अपना तबीयत से खा रहे हैं। हाँ, और ज़्यादातर खाना बिना प्याज लहसुन का। अगर आप बोलेंगे कि हाँ इसको इसमें खाना चाहिए, या आप बोल देते हैं कि ये सब्ज़ी हमको बिना प्याज लहसुन की चाहिए, तो बन जाती है। अभी बिजी जगह है, बिजी जगह अभी तो सब, ये रश कम है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना बिल्कुल आदमी खड़ा रहेगा, टेबल उठी तो इसके दौरान बैठ जाएगा। अरे इतनी प्लेट कितनी सारी लग गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सजा लेते हैं, 1, 2, 3, 4 अरे कैसी क्या नाराजगी, ये क्या हुआ, समझ नहीं गया। अरे खाएंगे हम भैया। वैसे सर हमने इतनी सारी जगहों पे सेब बनते हुए देखा, खाया भी, तो हम फाइनली खाएंगे सेब की सब्ज़ी, सेब भाजी बोलते हैं। इसकी ग्रेवी मेनली हमारी दूध में बनती है, इसलिए भाई इसका अगर मसाले वाला वर्जन खाना है तो उसको सेब टमाटर बोलते हैं। ये हरी मिर्च वाली दाल है, तो दाल की भी इनके पास दो तरह की वैरायटी है, एक लाल मिर्च वाली, एक हरी मिर्च वाली। ये सेब की सब्जी है जो कि दूध में बनाई गई है, और ऊपर से पनीर और साथ में धनिया पत्ती, बहुत तीखा है। जो आपने दूध का बोला मुझे लगा माइल्ड होगा, है बहुत क्रीमी, सेब का अपना तीखा भी है, रतलामी सेब। अच्छा, लौंग वाली, ये हरी मिर्च वाली दाल, ये जो दाल है ये अरहड़ की दाल है। और आपको भोजनालय वगैरह जब भी खाना मिलेगा उसमें कम तेल, कम मसाले, ऐसा हम लोग कहते हैं हमेशा घर जैसा खाना है, एक तो कल्पना होती है कि घर जैसा खाना, इसमें कम तेल कम मसाला होगा, वैसा खाना मिलता है। और मोस्टली जहाँ पे ट्रेडर्स हैं, ट्रेडिंग कम्यूनिटी है, उन लोगों के लिए भोजनालय। अरे वाह, दिल खुश कर दिया मुझे आपने। क्या नाम है आपका? अजय। अजय जी, मज़ा आ गया, क्या खुशबू आ रही है घी की, बहुत बढ़िया। तो भोजनालय उन जगहों पे होता था जहाँ पे ट्रेडर्स आते थे, ख़रीदारी की, उसके बाद उनको खाना चाहिए, दोपहर का रुक रहे हैं रात में तो रात का खाना चाहिए, वहाँ का सादा खाना खाते थे। और मोस्टली आप देखेंगे तो जो आपका बिज़नेस कम्यूनिटी है, जैसे मारवाड़ी हो गई, तो वो लोग ज़्यादा चलाते हैं। देखो देसी घी में बिल्कुल एकदम, हाँ क्या बात है, अल्टीमेट, बिल्कुल कड़क तंदूरी रोटी। तो पहले तो यहाँ पे थी, फिर वहाँ पहुँची,
फिर यहाँ पे आएगी, अब यहाँ पे आएगी, अब यहाँ से भी देख लेता और रोज बिच रही है तो फिर जा रही है। आप ये मुरैना के हैं शुरू से? नहीं, कहाँ के हैं? हम तो जी भिंड के पास अकोड़ा आ जाए। अब कितने साल हो गए भोजनालय के आपके? भोजनालय हो गए 40-45 साल। यही मेन्यू चलता आ रहा है जो मेन्यू में है? नहीं, ये तो बदलते रहते हैं। है तो 12 पैसे रोटी थी, दाल फ्री थी, दाल कोई जानता भी नहीं था यहाँ पे क्या होती है फ्राई, आलू की सब्जी और दाल चलती थी। इसके बाद में तो फिर सब्जी। ऐसे यहाँ पे ज़्यादातर लोग रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं चावल से, यहाँ रोटी ज़्यादा खाते हैं लोग। हाँ, यहाँ पे चावल नहीं चलते। चलिए, हमें खाना बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल सादा खाना, भर पेट हम लोगों ने खाया और बहुत चाव के साथ खाया। यहाँ लेमन सोडा मसाला डालेंगे? नहीं, मसाला डालेगा। हाँ डालिए। क्या है हैं? मतलब एक तरह से अच्छा एक मनोरंजन का साधन है। एक पीजिए और बाकी लोगों को देख लीजिए कैसे। अच्छा, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये जो बोतलें हैं इनमें सोडा बना के रखते हैं, जो आप ऑर्डर देते हैं उनको सब में एक ही फ्लेवर है, चाहे कोई बॉटल हो, और कुछ कोला की भी फ्लेवर्स हैं। हाँ, कुछ कोला। उसके बाद फिर उसमें नींबू डालते हैं कुप्पी से, बॉटल में ही डाल देते हैं, फिर मसाला डालते हैं जिसमें काला नमक, भुना जीरा, ये सब है, उसके सीधे पकड़ा जाते हैं एकदम से। उसकी गैस उबलती है जो आपको सीधे लेनी है, अगर आप उसको मुंह में लगाने के बाद पिएंगे नहीं और ऐसे रखे रहेंगे तो वो निकल आती है, जैसे मेरे साथ हुआ। हाँ, एकदम से वो उफान आता है तो आपको गटकना पड़ता है तुरंत। तो ये कहाँ पे भरते हैं? नेपाल खुद ही भरते हैं। कहाँ फैक्ट्री बनाई हुई है कहीं पे? हैं, नेपाल खुद ही भरते हैं। बहुत जगहों तो मशीन होती है ना, उस मशीन से अपना भरते रहते हैं, सोडा बनाते रहते हैं, उसके बाद फिर लेमन बना के फ्लेवर बना के देते हैं। ये बोतल तो अब आई है, पहले तो अंटे वाली बोतल होती थी। पहले अंटे वाली चलाते थे। अच्छा, काफ़ी रिफ्रेशिंग है। और जो बोतलें आप देखें, कूल कूल है। उसके बाद बबल कोला, ये आजमान कोला है, गिराजमान वाला है, स्लाइस की बोतल में। वो जो कच्चा खिलाड़ी होगा ना तो पहले पकड़ा था। हाँ, टेक्निक वही सही है, पूरा का पूरा एकदम एक बार में। चलिए ठीक है सोनू जी, मज़ा आया सोडा पीने से, ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे लोगों को सोडा पीते हुए देखने का मज़ा आया। हाँ चलिए ठीक है। टाइफाइड का पान वो क्या होता है? बुखार होता है जो डॉक्टर बताते हैं। क्या टाइफाइड बुखार होता है ना? हाँ हाँ, उसका भी पान लगता है। क्या होता है, क्या डालते हैं? पान में कुछ नहीं लगता है, क्या है, कत्था चूना सुपारी लौंग लगती है उसमें, और उसके अलावा एक पड़ता है 40 साल से पड़ता है मरना, उसको पड़ के पान खिला दो 3 दिन में ठीक हो जाता है। क्या दुआ पढ़ते हैं। अच्छा जी, 3 दिन में पक्का इलाज है, कुछ डॉक्टर भी लोग बताते हैं हमारे यहाँ 1921 की बात। तब भी 1981 मतलब पूरे 100 साल हो गए, सेंचुरी हो गए। दादा इसी खानदान से काम कर रहे हैं और पुस्तनी दुकान हमारी, और जो छाले का पान, ऐसे गले का काम पान। गले का कौन सा पान होता है? गले का पान गला सूख जाएगा आपका, गला सूख जाएगा नहीं साफ हो जाएगा, गला बैठ जाता है ना ऐसे लोग गाते हैं, गाय का ले जाते हैं पान, उससे गला साफ हो जाता है। एक लगा दीजिएगा मेरे लिए। ये क्या है? मुलेठी लौंग। लौंग वो जलेगी पान को। कतरा सुपारी, थोड़ी सुपारी,
ये धुआं भी खा जाना है, चलो जी इससे पहले के खा लेते हैं फिर बातचीत करते हैं। आइए आओ चबाओ ना, गले का पूरा गला खराब होगा, कैसा अपन चिकनाई खाते हैं पूरी साफ, इससे ज्यादा हो जाए। ये घोट जाना है, घोट सकते हैं अंदर, आप ठीक अंदर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया चीज़ है गले के लिए ही है। वाह, आपका आपके पान की दुकान दवाई की दुकान का काम कर रही है, हैं लोगों को दवाई मिल रही है वहाँ के दुकान में? हाँ गरमाड़ मिलती है। हाँ हाँ, और इसी के साथ हमारा आज के मुरैना के जायके का सफ़र समाप्त हुआ, हम कल फिर मिलेंगे मुरैना में ही नए जायकों के साथ, तब तक कीप वॉकिंग कीप एक्सप्लोरिंग। हेलो आपके 10 पास।